भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। ऐसे में कृषि के क्षेत्र में युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं अच्छी खासी हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा को ताक में रखते हुए आज हमारे देश में कृषि क्षेत्र को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। यही कारण है कि लोग अब नौकरी छोड़कर इस क्षेत्र में करियर बनाकर लाखों में कमाई कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और कृषि क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो आज हम आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिलने वाले कोर्सेस, रोजगार के अवसर, वेतन आदि सभी की जानकारी दें। तो एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या संभावनाएं हैं, इस पर डॉक्टर रामानुज पाठक से जानते हैं संपूर्ण जानकारी। देखिए, आज भी भारत में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है और मैं तो ये कहूँ कि लगभग 60-70% जनसंख्या की निर्भरता कृषि पर। अब होता क्या है कि कृषक का बेटा ही अब कृषि क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, और जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि भारत में जो स्कूलें हैं वहाँ पर बहुत कम एग्रीकल्चर स्कूलों में है। एक जो संकाय होता है एग्रीकल्चर, तो वो एग्रीकल्चर बहुत कम स्कूलों में है। तो पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर में शानदार कैरियर है। जैसे आप देखिए कि बैंकों में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं वो बन सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो बन सकते हैं। साथ ही आप ये देखिए कि कोई भी किसान अब अपने जो खेती करता है, किसानी करता है, वो अपने परंपरागत बीजों का उपयोग नहीं करता है, वो बाजार से ही बीज लेता है, अच्छी कंपनियों का बीज लेता है, उन्नत बीज लेता है। तो वो आज जितनी मल्टीनेशनल या अपने देश की ही बहुत सारी निजी कंपनियां हैं वो खाद और बीज का उत्पादन करती हैं, उन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर से स्नातक या परा स्नातक बच्चे ही जा सकते हैं। इसलिए अगर देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छे जॉब हैं और अनुसंधान के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा, भारत में इतने टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, उनमें कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं बच्चे। और साथ ही साथ में जो हमारी नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनमें एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, फर्टिलाइजर के लिए, कीटनाशकों के लिए और अच्छे बीजों के लिए। तो उनमें शानदार कैरियर है बच्चों के। और पानकी का हो, चाहे फसलों का हो, चाहे फलों का क्षेत्र हो, इनमें बहुत शानदार कैरियर है बच्चों के। तो इनमें वो अपना एग्रीकल्चर लेकर कैरियर शानदार बना सकते हैं। इस पे 12th के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं और किस तरीके से बच्चे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में? देखिए, अब बीटेक भी एग्रीकल्चर से होने लगा है, मतलब जो इंजीनियरिंग है वो भी एग्रीकल्चर से होने लगी है। बीएससी एजी होता है और बीएससी प्लेन के साथ में कोई एग्रीकल्चर के एक विषय लेकर के भी बच्चे उसे कर सकते हैं। जैसे पशुपालन के क्षेत्र में है वो भी एग्रीकल्चर का एक सेगमेंट है, तो उस पर ले सकते हैं, है ना। और मतलब फसल उत्पादन के क्षेत्र में वो कर सकते हैं, है ना। और मृदा जो सॉयल टेस्टिंग है उस पर भी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये सारे विषय हैं और इनका चुनाव करके, और बहुत सारे हमारे विश्वविद्यालय कॉलेज है जहाँ पर कृषि से बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको बच्चे कर सकते हैं।